30 नवंबर को सभी पुरानी 8 टीमों ने बोर्ड को बता दिया कि वो किस खिलाड़ी को रिटेन कर रही हैं और किस को छोड़ रही हैं। इस बीच एक फैसला चेन्नई की तरफ से हुआ, वो ये कि जडेजा को धोनी से ज़्यादा दाम में रिटेन किया गया। धोनी जहां 12 करोड़ में रिटेन किए गए, वहीं जडेजा को 16 करोड़ में चेन्नई ने अपने साथ जोड़ कर रखा। इसके बाद कई लोगों के मन में यही सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, धोनी का नाम पीछे क्यों रखा गया है। आज आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे और इसके पीछे चेन्नई टीम की प्लानिंग क्या है, क्या ये धोनी का फैसला था या फिर CSK मैनेजमेंट ने कुछ और ही सोच कर रखा है, ये सभी बात आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दरअसल जैसा आप सभी जानते हैं कि धोनी के बिना CSK टीम के बारे में नहीं सोचा जा सकता। धोनी ने ही इस टीम को बनाया है, टीम मैनेजमेंट बिना धोनी की सलाह के कोई भी फैसला नहीं ले सकती, तो इस फैसले में भी धोनी की मंजूरी थी। IPL 2021 जीतने के बाद ये सवाल उठने लगा था, क्या MS धोनी अपना आखिरी IPL खेल चुके हैं। खुद कप्तान धोनी भी नहीं चाहते थे कि टीम उन्हें रिटेन करे, क्योंकि पर्स की लिमिट टीम के सामने है, लेकिन टीम धोनी को छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। इस फैसले से एक बात की ओर भी संकेत मिलता है कि जडेजा को हो सकता है एक कप्तान के तौर पर देखा जा रहा हो, यानी धोनी एक खिलाड़ी के साथ साथ मेंटर की भूमिका में आ सकते हैं। और ये चेन्नई की टीम को भी देखना होगा कब तक धोनी टीम के साथ एक कप्तान के तौर पर रहेंगे। जडेजा ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। आंकड़ों की बात करें तो जड्डू ने 200 IPL मैच खेले हैं जिसमें 2386 रन बनाए हैं, वहीं गेंदबाजी में 127 विकेट अपने नाम किए हैं, साथ ही एक बार 5 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं। जड्डू को कई बड़े खिलाड़ी एक 3D प्लेयर मानते हैं, यानी बल्लेबाजी से लेकर फील्डिंग और गेंदबाजी में जडेजा अपना बेस्ट देते हैं। अगर चेन्नई की ये प्लानिंग चल जाती है तो यकीनन धोनी के बाद जडेजा एक कप्तान के तौर पर काफ़ी सफल हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही हमारे चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।